गुरुदेव आप यहाँ विश्राम कर रहे हैं बिना बताए चले आए, हमें कितनी चिंता हो रही थी, चलिए घर चलते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मॉल बार रेस्टोरेंट सुपरमार्केट सब जगह सफाई कर चुका हूँ, यहाँ के ट्रस्टी के पैरों में गिरकर इस मंदिर की साफ सफाई कर लूंगा और यही पड़ा रहूंगा, तुम लोग जाओ मैं नहीं आऊंगा। अरे वाह, नाम लिया और शैतान हाजिर, आइए 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 आइए। नमस्कार जी। मेरा नाम बद्रीनाथ है, अपने भारत देश में मैं बहुत ही आदरणीय पुजारी था, भाग्य फूट गए इसलिए शिष्य के कहने पे यहाँ चला आया, आपकी कृपा हो जाए तो ईश्वर के चरणों में रहकर उसकी सेवा करूँगा, मंदिर की सीढ़ियों पे सो जाऊंगा। स्वामी रारा भक्तों का आसरा, तेरे द्वारे में आई, स्वामी रारा भक्तों का आसरा, तेरे द्वारे में आई, भर दे झोली तो खाली, स्वामी रारा भक्तों का आसरा। आइए सब लोग आरती ले लीजिए। स्वामी जी अभी जो कन्या भजन गा रही थी वो तो चली गई है। उसे मैं जानती तो नहीं, लेकिन वो उस तरफ गई है। धन्यवाद। Hi, there was a girl singing inside. Did you see her? Yeah, वो देखो जा रहा है। Thank you. ये मुंह फाड़े कहाँ देख रहा है? कैलाश पर्वत दिख गया क्या? ये उससे भी अद्भुत था गुरुजी। पर मिल नहीं पाया। पर मुझे मिल गया रे, अद्भुत से भी अद्भुत समाचार। वो क्या? मुझे इस मंदिर में झाड़ू पोछे का काम मिल गया। सच में? हाँ। इस पे तो मुंह मीठा करना चाहिए। सुन रे, वो सांता मुनि का बीच कहाँ पर है? वो किस लिए? अरे भूल गया, वहाँ जाके पानी जो मिलाना है। कन्या कपड़े भूल गई, उस पर अपना गमछा डाल दूं क्या? गुरुजी आराम से। कितना अच्छा माहौल है यहाँ। मेरी सीटी बजा दी। अगर पहले मुझे गूगल बाबा या यूट्यूब पे अमेरिका के हसीन नजारे दिखाए होते तो मैं खुद तुझे अमेरिका घसीट लाता। सुन केदारनाथ, उम्र में तुम अभी बालक हो, तुमसे ये बात नहीं करनी चाहिए, पर अमेरिका की अप्सराओं की काया देखकर मेरा कमंडलू हिल डुल गया। गुरुजी जरा आराम से। इस देशी जल को जाके विदेशी जल में अर्पण करता हूँ, ताल पत्र पे लिखा भविष्य सत्य हो जाएगा और मुझ गरीब को घर का खाना भी मिलेगा। 100% सत्य होगा। हे भगवान, मेरा मिलाप एक लज्जाशील विशुद्ध संस्कारी भारतीय नारी से करवा दो जो कम खर्चा करवाए। जल मिलाते ही हो गई हलचल। हे खलबली रे खलबली, ये तो है एक जलपरी। गुरुजी को पता चला कि वो ताड़पत्री मैंने लिखी थी तो इसी समंदर में प्राणों की आहुति दे देंगे। इसका मतलब वो सब गुरुजी के पुरखों ने नहीं लिखा था? नहीं। मतलब ये तेरा केला कांड है? उन्हें पता चल गया ताड़पत्री का मैसेज फेक था तो? तू बताएगा? नहीं। रेणुका, हाँ लंच का टाइम हो रहा है, घर चलो। वो सांता मुनि के बीच पे हर हफ्ते आप जाइए, हम पूजा करके आ जाएंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, हमने आपको देखा नहीं। हमने
इससे पहले आपको यहाँ कभी नहीं देखा? नहीं नहीं, भर्ती हुई है। हमारा नाम सुरेखा है, हम कभी कभी यहाँ आते हैं। और मेरा नाम बद्रीनाथ है, मैं हमेशा यहीं रहता हूँ। आप लोग कहाँ से आए हैं? अमरावती से। ओके, हम लखनऊ से हैं, इंडियन एसोसिएशन में काम करते हैं। आपको कोई भी काम हो हमें बताइए। सुन रहे आदेश गुरुदेव, कल यहाँ के पानी का मॉकटेल बनाया और आज ये कॉकटेल मिल गई, इसे प्राशन करके नशे में झूमने का मन कर रहा है। अपनी ट्रेन को ब्रेक लगाइए। वैसे मैडम, हमारे गुरुदेव इस मंदिर में आरती के अलावा नामकरण से श्राद्ध तक सब करवाते हैं। आप रेफर करेंगी तो आपको भी कमीशन दे देंगे। कमीशन हमें नहीं चाहिए, हमारे बॉस की अगले महीने शादी है, सगाई से लेके फेरों तक सब कुछ आप ही करिएगा। थैंक यू मैडम, कल हम आपको अपने बॉस से मिलवा देंगे। गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग। शॉर्ट सर्किट नहीं होता, इसकी बॉडी की सारी वायरिंग तो खुली पड़ी है। धीरे से बात कीजिए वरना मसल से मसल कर रख देगा। बॉस, पंडित जी आ गए हैं, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी। नमस्कार। पंडित जी। हाँ जी। खर्चे का कोई टेंशन ना करो, शादी का ऐसा मुहूर्त निकालना कि कोई परेशानी ना हो। सरस्वती देवी गुरुजी की जीवा पर विराजमान है, ये शादी तो यमराज जी भी नहीं रोक सकते। सुरेखा, $50,000 इनके अकाउंट में डाल। ओके बॉस। मेनका जी, अब लड़का लड़की की कुंडली मिल जाए तो सगाई के लिए उत्तम मुहूर्त निकालूंगा। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। नमस्ते। ये वीर सिंह जी हैं और ये इनकी धर्मपत्नी है। नमस्ते। ये लड़की नमस्ते। के मामा और मामी। भाई मुहूर्त तो अच्छा निकाला ना। वधू वर के सितारे तो गर्दिश में थे पर गुरुजी उन्हें लाइन पर ले आए। अरे हमारे गुरुजी मुहूर्त स्पेशलिस्ट हैं। सुरेखा तो अकेले में इनकी बहुत तारीफ कर रही थी। मैं इसके लिए स्पेशल हूँ और मेरे लिए ये स्पेशल है। इस शुभ अवसर पर अपना भी मुहूर्त निकाल लो। चालू है। अरे पंडित जी, धूप में क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। अरे कठे हो, जल्दी आओ ना। अरे गुरुदेव, वो बुढ़ाऊ याद है जो हमारे हवन से हेवन चला गया? ये तो उसी की पोती है रेणुका। अब तो गए गुरुजी। फूटी किस्मत, खाई से बचे तो सीधे मौत के कुएं में कूद पड़े। इतने बड़े पंडित हो, खुद की कुंडली सही नहीं कर सकते क्या? क्षमा। अरे पंडित जी, ऐसा क्या किया जो मुंह छुपा रहे हो? दुल्हन आ गई है, रस्म शुरू करो। शादी की रस्म या हमारी मौत की रस्म? नमस्कार बेटी, तुम्हारी शादी का मुहूर्त निकालने आए हैं। ये क्यों रो रही है? रोने की बारी तो हमारी है। गुरुदेव, आंखें रेणुका की नम है लेकिन आंसू इसके टपक रहे हैं। दोनों ने कहीं हवन तो नहीं किया? ए, रेणुका! 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 क्या हुआ तुम्हें? क्या रे केदारी, तू तो था ब्रह्मचारी, फिर आई कहां से ये नारी? तुम दोनों को देख के ऐसा लग रहा था कि गंगा जमुना का संगम हुआ है और हम अमेरिका में नहीं प्रयागराज में हैं। अब तू लिबर्टी देवी की तरह स्टैचू बन के क्यों खड़ा है? तेरे दिमाग में क्या भंडारा पक रहा है? बोल, वरना मैं शांता मुनि के बीच में जाके आत्महत्या कर रहा हूँ। गुरु जी सुनिए, दरअसल मैं अमेरिका आया हूँ रेणु के लिए। उस दिन जब हम पूजा करने चिंतामणि जी के घर गए थे तभी वहाँ उनकी पोती अमेरिका से घर आई थी। दादाजी, दादाजी आप कहाँ हैं? मैं आ गई। अरे गोपाल दत्तो, अमेरिका से पोती आई है मेरी, ले चल वहाँ। दत्तो, अरे वाह, कितनी बड़ी हो गई है मेरी बच्ची। I miss you so much, Dattu darling. आप कितने दुबले हो गए हैं। रेणुका। हाय बुआ। हाय फूफा जी। कैसी? I'm fine. How about you? फूफा, फूफा। हाय छोटे फूफा जी। कैसी है बेटा रेणुका? Fine.
हाउ आर यू रेनुका? मैं बहुत अच्छी हूँ। विद्या आजा आजा। हेलो एवरीबॉडी। अरे ये कौन सी चेयर है? दादाजी ये इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर है, ये देखो। देख के अरे ध्यान से। ये देखिए इसका लाइसेंस नहीं है मेरे पास। इसके लिए लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं, मैं ये आपके लिए अमेरिका से लाई हूँ। इस पे बैठ के आप बेडरूम भी जा सकते हैं और वॉशरूम भी जा सकते हैं। अब आपको धक्का लगवाने की जरूरत ही नहीं। चलो फिर एक राउंड लगाते हैं। आराम से संभल के। कैसी है? मस्त है। आपने बहुत अच्छा चलाया। बेटा कितना किस्मत वाला हूँ मैं, तेरे माँ बाप तुझे मेरे लिए छोड़ गए, पर तेरा ख्याल रखने के लिए किसी को नहीं छोड़ा। मुझे उनकी बहुत याद आती है। मेरा ख्याल रखने के लिए आप हैं ना दादाजी। अब बस करो, चलो अंदर चलो। तुम दोनों जल्दी से फ्रेश हो जाओ, आज हमारे घर में पूजा है। अरे केदारनाथ। आदेश गुरु। होम हवन और पूजा की सारी सामग्री की तैयारी हो गई। लकड़ी से लेकर घी और फल से लेकर फूल सब अपनी जगह पर रख दिया है। बस एक बार आप ये पूजा सफल कर दीजिए तो हम अपना ऑनलाइन ऐप लॉन्च कर सकते हैं। तेरे मुंह में घी शक्कर, एक बार वो ऐप खुल जाए तो बीच के बिचौलियों को कमीशन देने से बचेंगे और फिर मारुति 800 में घूमेंगे। क्या बात है गुरुदेव। मस्का मत लगा, कलश लेके आ वरना तेरी पगार कट। अभी देखता हूँ। ये लीजिए। धन्यवाद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।